बरेली में उत्तर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार के भतीजे ने प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक रेस्टोरेंट में बीती रात जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि अमित सक्सेना ने अपने साथी के संग रेस्टोरेंट में जाकर तोड़फोड़ की, जहां रेस्टोरेंट संचालक नरेश कश्यप द्वारा विरोध करने पर धमकाने का आरोप है। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र में जनकपुरी इलाके का है, जहां सत्कार रेस्टोरेंट नाम से नरेश कश्यप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। पीड़ित नरेश कश्यप के अनुसार वह रोजाना की तरह मंगलवार रात को ग्राहकों के लिए रेस्टोरेंट बंद कर चुके थे और करीब 11:15 बजे रेस्टोरेंट का स्टाफ खाना खा रहा था। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार का भतीजा अमित सक्सेना अपने साथी के साथ कार से पहुंचा और बोला कि नरेश कश्यप कहाँ है, मैं उसे देख लूंगा। यह कहकर वह वापस लौट गया। आरोप है कि इसके बाद रात करीब 11 बजे आरोपी दोबारा से आए और उन्होंने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की, जिसके बाद तीसरी बार रात करीब 11:15 बजे फिर आए और वह रेस्टोरेंट का वॉश बेसिन समेत काउंटर में तोड़फोड़ कर वहां जमकर हंगामा काटा। जिसकी जानकारी होने पर नरेश कश्यप मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची प्रेमनगर थाना पुलिस, लेकिन आरोपी युवक मंत्री का भतीजा होने की बात सुनकर बैरंग लौट गई, जिसके बाद पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक नरेश कश्यप हमले के कुछ देर बाद रात को ही वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार से न्याय मांगने उनके घर पहुंचे, लेकिन मंत्री जी पीड़ित से नहीं मिले। पीड़ित रेस्टोरेंट संचालक नरेश कश्यप का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी जा चुकी है। मंत्री का आरोपी भतीजा अमित सक्सेना पहले भी होमगार्ड के साथ मारपीट कर चुका है। फिलहाल आरोपी से रेस्टोरेंट संचालक ने अपनी जान माल को खतरा बताया है। वहीं इस मामले पर एसपी सिटी राहुल भाटी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मारपीट और तोड़फोड़ का केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है। वहाँ हम दुकान अपनी बढ़ा चुके थे। ये माननीय मंत्री जी का भतीजा अमित सक्सेना और उनके 2-3 साथी आए और यहाँ स्टाफ से हमारे गाली गलौज करने लगे। फिर उसके बाद मैं आया, मैंने इसको समझा में जाके भेज दिया। फिर उसके बाद दोबारा आया, फिर उसने गाड़ी हमारे होटल के अंदर चढ़ा दी। फिर भी हमने उसके बाद समझा के भेज दिया। फिर दोबारा से फिर ही आया, फिर उसने काउंटर वाउंटर सब तोड़ दिया। कोई ना कोई लड़का मर जाता है वहाँ पे, कुछ होता है, फिर कौन जिम्मेदारी लेता है इसकी? कौन है ये अमित सक्सेना? कौन ये अमित सक्सेना? मंत्री जी अरुण कुमार जी का भतीजा है ये। क्या पहले भी कोई बदतमीजी कर चुका है? नहीं, आज से पहले कभी नहीं, लेकिन इसके वाकया कई जगह हमने सुने भी हैं जी, कई जगह कर चुके हैं ये वाकया शराब पीने के बाद। ये देखिए, कल एक वीडियो प्राप्त हुआ था जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सत्कार रेस्टोरेंट है थाना प्रेमनगर स्थित, उसमें तोड़फोड़ मारपीट और इस तरह की हमें तहरीर मिली है, तो उस तहरीर के आधार पर हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और आगे की जो विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या चीज़ें, क्या आरोप लगाए गए हैं तहरीर में? किस तरह से तहरीर में मारपीट के आरोप हैं, रंगदारी के आरोप हैं और तोड़फोड़ के आरोप हैं, और जो तहरीर के आधार पर जो सुसंगत धाराएँ बनेंगी उनमें मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी।